मुजफ्फरपुर में पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन केवल मुसलमानों का ही वोट लेना जानता है और समय आने पर पुलिस पीट पीट कर हत्या कर देती है। ये आप जानते हैं कि जीप कैसे बाहर आता है, ये आपके जिले की घटना है। और मोहम्मद गोलू का देहांत हो गया, मोहम्मद नौशाद और इम्तियाज मंसूरी, ये लोग गरीब परिवार के हैं, पसमंदा समाज के हैं। इनके साथ जिस तरह मारपीट किया, ये पुलिस ज्यादती की इंतहा है। कई जगह फ्रैक्चर हुआ, सरकारी अस्पताल में नहीं उसको ले गए, एक प्राइवेट अस्पताल में पुलिस इलाज करा रही है, उसको जरूरत है रेफर करने का एम्स में या IGMS में, वो भी पुलिस प्रशासन DMSP साहब को चाहिए कि रेफर करें। एक की जिंदगी, एक लड़का जो है वो अकेला है अपने माँ बाप, गोलू के तो दो भाई भी, लेकिन नौशाद और नौशाद अकेला लड़का, डायलिसिस हो रहा है। मैंने प्रशांत हॉस्पिटल में पूछा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बोले कहीं से हो क्या है। अरे भाई, आप इलाज करेंगे तो पहले रजिस्टर्ड कराएंगे तभी इलाज करेंगे ना, अगर कुछ हो गया तो क्या प्रशांत हॉस्पिटल क्या जवाब देगा। हमने उनसे ये भी कहा, राजीव गप्पू जी ने और राजू सिंह जी ने, कि भाई अगर रेफर की जरूरत है तो इसको रेफर कीजिए, लेकिन रेफर भी नहीं कर रहे। और हम तो चाहेंगे कि यही ठीक हो जाए, लेकिन जो पुलिस के लोगों के बारे में बताया, कुमार चंदन DSP, पुरुषोत्तम यादव पाड़ू थाना प्रभारी, प्रवीण कुमार SI देवड़िया, इनके नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा या नहीं मारा, क्या SP साहब बताएंगे। पुलिस अगर किसी को मारेगी तो क्या लीपापोती करेगी। पुलिस का ना छापा मारने कोई आम आदमी नहीं गया, कोई सांप्रदायिक तनाव में नहीं हुआ, कोई जातीय तनाव में नहीं हुआ, कोई अपराधी के जरिए नहीं हुआ, ये सिर्फ पुलिस के जरिए मार है। यानी पुलिस उठा के ले गई। उनके माँ बाप का बयान भी आपको अभी वीडियो सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो हम लोगों ने बातचीत किया वो वीडियो दे दिया जाएगा। कई न्यूज चैनल वाले भी थे वहाँ, ये थे गर्दा न्यूज वाले, ये गए थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने, ना कष्ट उठाया, सब लोग नहीं आ पाए, गर्दा बाबा गया, तो ये सबको दे देंगे। ये बहुत भयावह घटना, ये मार्मिक है, ये घटना दिल को छूने वाली। क्या होगा, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन माई समीकरण है, मुस्लिम का वो वोट भी लोगे और जान भी लोगे, वो गाना ना तुमका दिल भी लोगे और जान भी ले लोगे, यानी वोट भी ले लोगे और जान भी ले लोगे और फिर लीपापोती करोगे, ये क्या बात है। सिर्फ वोट के वक्त ये अल्पसंख्यक समाज के लोग को याद आता है, और आज एक मर गया, इस पर सरकार क्यों चुप है। दो लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के कान पे जू नहीं रोंग रही, क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी नेता की टिप्पणी उस वक्त आई जब मुजफ्फरपुर के देवरिया थाने की पुलिस हिरासत में पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। वहीं भाजपा ने उस घटना पर एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मृतक युवक के घर के साथ घायल युवकों से मिलने भेजा है। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा बीजेपी इस मामले में चुप नहीं रहेगी, आगे की रणनीति तय करेंगे। वही मामले में शहनवाज हुसैन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। मिला हूं, पुलिस आई और इनका लड़का घर में सो रहा था, लेकिन वो उठा के ले गई। गाँव के लोगों से हमने बात की है, चश्मदीदों से बात की, पूरे यहाँ पर DSP दरोगा, कई थाने के पुलिस आई और नाखून तक खींच लिया गया, मारकर पूरी बदन को तोड़ दिया गया, बोरा ओढ़ा के थाने में मारा गया। ये कस्टडी में मौत हुई है, दांत भी तोड़ा, जबड़ा टूट गया। अच्छा, सब
जवान भी निकल गया। जवान निकला हुआ था जी, गर्दन पे लाके गले को बात, फोटो भी है उसका। क्या कमरा गर्दन इतना फूल के भे रहे बाबू, कमरा मुंह करिया सी आवे रहे। मार के जबान बाहर कर दिया, गर्दन पे लात मारा और उससे जबान, जैसे फांसी के बाद जबान बाहर आती है वैसा जुल्म हुआ। ऐसे जुल्म के बाद अभी तक इस पर FIR तक नहीं हुई, ये किस तरह का राज है? सिर्फ आपको माइनॉरिटीज़ का वोट चाहिए, लेकिन इनके साथ क्या करेंगे? वोट भी लेंगे और जान भी ले लेंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये लोग तो कमाने खाने वाले हैं, इनका घर, इनके बच्चे कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, अपने घर में काम कर रहा है, ये कहीं से अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ब्रूटल किलिंग हुआ है कि ऐसे हिंदुस्तान में किसी पुलिस ने नहीं किया होगा जैसा यहाँ हुआ है। और इस पर पूरा पुलिस प्रशासन इसको लीपापोती करने में लगा हुआ है। परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सरैया SDPO ने गोलू नौशाद समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर काफी पिटाई की। हालात बिगड़ने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोलू की मौत हो गई। नौशाद समेत 2 घायलों का इलाज पुलिस हिरासत में कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।